नमस्कार, मैं प्रज्ञा धारधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में नव नियुक्त कुल 41,772 शिक्षकों को शिक्षा विभाग विशेष प्रारंभिक ट्रेनिंग देने जा रहा है। ट्रेनिंग SCERT देगी। यह प्रशिक्षण राज्य के शिक्षण शिक्षा संस्थानों में कराया जाएगा। नव नियुक्त प्रशिक्षण जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से शुरू किया जाना है। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर बताया गया है कि पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के विंडफॉल टैक्स में बड़ा इजाफा किया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक एक टन क्रूड ऑयल पर अब से 1700 रुपए की जगह 2100 रुपए विंडफॉल टैक्स लगेगा। इसके साथ ही सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में भी इजाफा कर दिया है। इसको 5 रुपए से बढ़ाकर 7.5 रुपए कर दिया गया है। वही ATF की बात करें तो इसके विंडफॉल टैक्स की कीमत 1.5 रुपए से बढ़कर 4.5 रुपए हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने दूर दराज से आए सभी फरियादियों की शिकायत को तसल्ली से सुनकर फैसला किया। इसकरी में सिवान से पहुंचे एक फरियादी ने सीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए बीजेपी के पूर्व MLC मनोज सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। फरियादी ने कहा कि उसके बेटी की अगस्त 2021 में बदमाशों ने हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस ने सफेदपोशों के प्रभाव के चलते आज तक कार्रवाई नहीं की है। पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत ट्रेन पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की है। इसमें ट्रेन के शीशे टूट गए हैं। हालांकि गनीमत यह रहा कि इसमें किसी यात्री को चोट नहीं लगी है। जानकारी के मुताबिक कुमारगंज स्टेशन के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर सियासी दलों और नेताओं में चूड़ा दही पार्टी देने की परंपरा रही है। इस तरह की पार्टी में कई बार भविष्य की राजनीति की तस्वीर भी दिखती है। इससे ठीक पहले बिहार की तीनों बड़ी पार्टियां यानी BJP, JDU और RJD की ओर से विरोधी पार्टी के टूटने का दावा किया जा रहा है। इस मामले पर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया है कि JDU के ज्यादातर सांसदों को अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। उनका कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रभाव में NDA से बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती थी। बाजार में लगातार पशु चारे की डिमांड बढ़ रही है। पर्याप्त आपूर्ति नहीं है, इसलिए चारे के भाव आसमान छू रहे हैं। कई बार तो पशु चारे का संकट भी पैदा हो जाता है। यदि आप भी किसान, पशुपालन या गांव में ही रहते हैं तो आज ही इस बिजनेस को चालू कर दीजिए। आने वाले समय में दूध की डिमांड और पशुपालन का चलन बढ़ने वाला है। ऐसे में पशु चारा बनाने का बिजनेस आपको साल भर में ही करोड़ों का मुनाफा दे सकता है। नए साल में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल बिहार में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों ने फिक्स चार्ज में बदलाव लेने का फैसला किया है, जिससे नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। इसका सीधा असर ग्रामीण और शहरी इलाकों के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बिजली कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 2.56 रुपए से लेकर 3.40 रुपए तक प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इसे लेकर अब विद्युत विनियामक आयोग आगामी 20 जनवरी से सुनवाई करेगा। इस जनसुनवाई में कोई भी आम उपभोक्ता अपना पक्ष आयोग के सामने रख सकता है। पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियों को अब भारत के हरिद्वार में विसर्जित किया जा सकेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में संशोधन किया है। संशोधन के बाद मृतक पाकिस्तानी हिंदुओं के परिवार के लोगों को 10 दिनों का ट्रैवल वीजा दिया जाएगा। जो परिवार अपने परिजनों की अस्थियां हरिद्वार आकर गंगा नदी में विसर्जित करना चाहते हैं, वह लोग वीजा के जरिए अपने परिवार के सदस्यों की अस्थियों को हरिद्वार आकर पवित्र गंगा में विसर्जित कर पाएंगे। जमीन विक्रेताओं को नए साल से अनेक पहचान के लिए आधार नंबर से सत्यापन होने के बाद रजिस्ट्री का आदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ था, लेकिन इसे बीते सोमवार को लागू नहीं किया जा सका। मिली जानकारी के मुताबिक सिस्टम पर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने की वजह से OTP के आधार पर सत्यापन कर जमीन की खरीद बिक्री होने वाली थी, लेकिन फिर भी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो पाई। सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार से शुरू हो रही T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली भारतीय टीम वानखेड़े में साल का अपना पहला मैच खेलने वाली है, लेकिन उससे पहले ही उसकी जर्सी को देखकर हर कोई हैरान हो गया है। युजवेंद्र चहल समेत कई अन्य भारतीय खिलाड़ियों द्वारा शेयर की गई तस्वीर में अचानक से किट स्पॉन्सर का नाम बदला हुआ मिला और MPL की जगह किलर जींस का लोगो नजर आया। बिहार में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और 25 जिलों में शीतलहर से जिंदगी की रफ्तार थमसी गई है, लेकिन इस बीच शुरू हो रहा तीन यात्राओं से सियासी तापमान चढ़ेगा। वर्ष 2024 की चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पक्ष विपक्ष की सियासी गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। नीतीश कुमार जहां साल भर बाद अपनी कोई यात्रा आरंभ कर रहे हैं, वहीं भाजपा अध्यक्ष नड्डा मंगलवार को जबकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे गुरुवार को बिहार के दौरे पर होंगे।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को उत्तर प्रदेश पहुंच गई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली यात्रा का स्वागत किया। यात्रा से स्वागत के बाद एक संक्षिप्त संबोधन में प्रियंका ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्च इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकन बनाया है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मैथिली ठाकुर को आइकन बनाने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन कार्यालय ने दिया था। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। बता दें कि इससे पहले साल 2019 में मैथिली और उनके दो भाइयों को चुनाव आयोग द्वारा मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन अब अक्षरधाम एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को यह ऐलान किया। बता दें कि अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी जी महाराज के शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ है, जहां रेल मंत्री भी पहुंचे। यह महोत्सव 600 एकड़ में फैले क्षेत्र में हो रहा है। कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। नए साल में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव के माता पिता बनने की चर्चा जोरों पर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में राजश्री यादव के गर्भवती होने का दावा किया जा रहा है। इन सभी अटकलों के बीच खुद तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी के साथ एक वीडियो जारी किया है। ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पत्नी के प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी है। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़, T20 कप्तान हार्दिक पांड्या और टीम के अन्य सदस्यों ने पंत के स्वस्थ होने की कामना की। याद हो कि 30 दिसंबर को सुबह पंत की रुड़की जाते समय कार से एक्सीडेंट हो गया था। पंत ने बताया था कि उनकी झपकी लग गई थी और इसके चलते कार रेलिंग से टकराई व पलटी खाने के बाद जल गई। सरकार की ओर से लड़कियों को 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना को कन्याओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल यह धनराशि लड़कियों के उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। योजना की धनराशि लड़की के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक किस्तों में दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना में 1.5 करोड़ कन्याओं को लाभार्थी बनाया जा सकता है। दिल्ली NCR समेत पूरे भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में घने कोहरे का साया रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में शीतलहर चलेगी। मौसम विज्ञानियों ने मौसम के तल्ख तेवर को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने ताजा मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। ठंडी हवाएं अभी लोगों को परेशान करेगी। बिहार के गया में कोरोना के नए केस आने से हड़कंप मचा हुआ है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के बोधगया आगमन के बाद कई देशों के नागरिक हर दिन पहुंच रहे हैं, जिसके वजह से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कोरोना जांच को लेकर सतर्क है। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड से आए 3 नागरिक को रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तीनों नागरिकों को उनके होटल में आइसोलेट किया गया है, जिसके बाद अब जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 12 हो गई है। अश्विनी ग्रोवर के इस्तीफा देने के बाद पिछले 1 साल में कंपनी के कई बड़े अधिकारी अपना पद छोड़ चुके हैं। इस कड़ी में नया नाम सुहैल समीर का जुड़ गया है। पहले यह खबर आई थी कि सुहैल समीर जनवरी के अंत तक इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने 3 जनवरी को ही अपना पद छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी में जुट गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज मुजफ्फरपुर के पारू में रैली को संबोधित करेंगे। पारू वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आता है। आज नड्डा के निशाने पर महागठबंधन होगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनता को बताएंगे। बिहार में बीजेपी ने सभी 40 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ी थी, उन सीटों पर बीजेपी की इस बार खास नजर है। खुद को मजबूत कर उन सीटों को हर हाल में बीजेपी 2024 में जीतना चाहती है। COVID-19 मामलों में स्पष्ट वृद्धि के बीच सरकारी सूत्रों ने कहा है कि अब तक किसी दूसरे COVID-19 बूस्टर खुराक की आवश्यकता नहीं है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पहले हमें देश में बूस्टर ड्राइव को पूरा करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 134 नए मामले दर्ज किए जाने के साथ भारत में सक्रिय मामलों की संख्या वर्तमान में 2582 है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220.11 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर पाबंदी लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। जस्टिस SA नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह की धमकी के तुरंत बाद तालिबान ने पलटवार किया है। वरिष्ठ तालिबानी नेता व अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री अहमद यासीर ने ट्विटर पर 1971 में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण की ऐतिहासिक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान ने उन पर सैन्य हमला किया तो उसे ऐसी ही शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने पाक मंत्री को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। दिसंबर 2022 में UPI ने 12.82 लाख रुपए मूल्य के 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन को पार कर लिया है। UPI के जरिए पेमेंट इस साल अक्टूबर में 12 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। नवंबर में UPI के माध्यम से 11.90 लाख करोड़ रुपए के 730.9 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बैतूल से हूँ, राहुल जी का संदेश भेजती हूँ कि भारत जोड़ने में एक चीज जरूरी है, वो है POK। कृपया इस यात्रा को वहां तक ले जाएं और उसको जोड़कर ही वापस आए, नहीं तो वहां रुक जाएं।
आधार भारत के हर नागरिक के लिए जरूरी होता है। नवजात बच्चे से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक के लिए आधार के लिए रजिस्टर कराना जरूरी होता है। यह किसी भी वित्तीय सेवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। अपनी आधार डिटेल्स को अपने अपडेट रखना जरूरी है। UIDAI ने सुझाव दिया है कि जिन लोगों को अपने आधार नंबर 10 साल पहले मिले थे और उन्होंने इन सालों में अपना डेटा को कभी भी अपडेट नहीं किया है, उन्हें अपने दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वह अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में 100 मीटर लंबे सियांग ब्रिज का समारोहपूर्वक उद्घाटन करेंगे। सीमावर्ती राज्य में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तवांग के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष के एक महीने के बाद यह विकास हुआ है। नवोदय स्कूल में यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है, क्योंकि नवोदय स्कूल समिति ने प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया आगामी 31 जनवरी तक जारी रहेगा। आपको बता दें, कक्षा 6 के प्रवेश के लिए JNVST 29 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। टेस्ट का रिजल्ट जून तक जारी कर दिए जाने की संभावना रहेगी। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को कहा कि बंदरगाह अवसंरचना के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी क्षेत्र में निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और मंत्रालय 2024-25 तक 44 परियोजनाओं पर काम करेगा, जिनमें कुल 22,900 करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार प्रमुख बंदरगाहों पर तनावग्रस्त सार्वजनिक निजी भागीदारी से निपटने के लिए दिशा निर्देशों पर काम कर रही है। इसके अलावा भारत में पोत निर्माण उद्योग को समर्थन देने के लिए नीतियां भी लाई गई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, प्रभास कुमार, बिट्टू कुमार राज, उमेश ऋषिदेव, महेंद्र कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, पिंटू कुमार, रौनक, अवधेश आनंद, के सिन्हा, अविनेश कुमार, गोविंद तिवारी, दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर बिजली महंगी होती है तो आपके जेब पर कितना असर पड़ेगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।